हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम चर्चा करेंगे एक टॉपिक पे जिस पे वन ऑफ माय फॉलोवर एक्चुअली रिक्वेस्टेड, प्रमोटर्स, ऑपरेटर्स और मार्केट मेकर्स के ऊपर एक वीडियो बनाइए और इस पे इनका क्या रोल होता है और क्या इन्फ्लुएंस होता है इक्विटी, डेरिवेटिव एंड कमोडिटी सेगमेंट में। तो उसके ऊपर मैंने एक स्लाइड बनाई है जो आप लोगों से शेयर करूँगा मैं। सो वी विल डिस्कस अबाउट द प्रमोटर, ऑपरेटर एंड मार्केट मेकर्स। सो इससे पहले मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि ऑल व्यूज़ आर बेस्ड ऑन माई पर्सनल एक्सपीरियंस। सो रोल ऑफ प्रमोटर्स, ओके, तो प्रमोटर क्या होता है? देखिए, प्रमोटर एक वो शख्स होता है या एक कोई ऑर्गेनाइजेशन होता है जो कि अपनी सिक्योरिटी में मनी फंड को जो इंक्रीज करना है। लेट से आई हैव अ कंपनी, ओके, एंड मेरा कंपनी अच्छा चल रहा है, ओके, 2 साल से, बट आई वॉन्ट टू इन्वेस्ट, मैं उसको और मतलब बढ़ाना चाहता हूँ, ग्रो करना चाहता हूँ। तो मैं क्या कर सकता हूँ कि अब NSE में जाके अपना स्टॉक लिस्ट कर सकता हूँ और उसके बेसिस पे, डिपेंडिंग ऑन माय फंडामेंटल्स की मेरा कंपनी का परफॉर्मेंस कैसा है, उसके बेसिस में इन्वेस्टर्स को इनवाइट कर सकता हूँ कि आइए हमारी कंपनी पे पैसा लगाइए और जैसे जैसे हमारी कंपनी ग्रो करेगी आप भी, आपका पैसा भी ग्रो करेगा बिकॉज़ यू आर एक्चुअली गिविंग देम लोन, ओके। उसका इंटरेस्ट आपको मिलेगा जब वो कंपनी और अच्छा परफॉर्मेंस करेगी। तो यही होता है स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट का मतलब। तो देखिए, प्रमोटर क्या होता है? वो कंपनी का, ऑर्गेनाइजेशन का कोई इंडिविजुअल, जैसे मैनेजर हो गया, ओनर हो गया, तो वो क्या होते हैं, उनको बोलते हैं प्रमोटर। सो उनका जो पर्पज़ होता है वो होता है सिक्योरिटी को इंटरेस्ट क्रिएट करना पब्लिक में ताकि लोग उस पर इन्वेस्टमेंट कर सकें। जैसे अभी SBI का एक कार्ड का IPO आया है, यूजुअली Nobody knows what's the behind the scene, but उनका ये मानना है कि हमारा ये जो बिजनेस है SBI कार्ड का, उसमें हम लिस्टिंग करा रहे हैं और आइए आप उस पर पैसा लगाइए, तो अगर ये ग्रो करेगा तो उसका प्रॉफिट शेयरिंग आपसे भी होगा। सो वो कैसे तरीके से आप लोगों को, मतलब रिटेल्स को इंटरेस्टेड करने के लिए, इंटरेस्ट क्रिएट करने के लिए, बोनस हो गया, डिविडेंड्स हो गया, या फिर लो प्राइस हो गया, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिस इंटरेस्ट क्रिएट करती हैं। जैसे अभी IRCTC थी, उसका IPO आया था, उसका तो नाम सुन के ही लोग ऐसे ही ख़रीद लिया उन्होंने कि बिकॉज यू नो ऑलरेडी हमारे देश में रेल का कितना अच्छा प्रोग्रेस है, एवरीबडी मतलब वहाँ पे देर इज़ नो प्रॉब्लम एक्चुअली, और सर्विसेज इम्प्रूव हो रही हैं और नई नई ट्रेन भी चल रही हैं और बहुत सारी मतलब प्रोग्रेस हो रही है। सो यूजुअली दे वांट टू इन्वेस्ट कि हाँ, ये एक ऐसा बिजनेस है इंडियन रेलवे जिसमें आपको हो सकता है कि उसमें मतलब फॉल आने के चांसेस नहीं है, बट अभी सर्किट लग रहा है कुछ दिनों से, ओके, सो देर इज़ नो गारंटी, बट यूजुअली इसका पर्पज़ होता है कि आपको इन्वेस्टमेंट के लिए इन्वाइट करना, ठीक है। आपको अगर कुछ अच्छा नहीं बताएंगे तो आप क्यों इन्वेस्ट करोगे किसी पे, ठीक है। तो यूजुअली प्रमोटर्स क्या करते हैं कि सर्कुलेट करते हैं या किसी को पे भी कर दिया, ठीक है, प्रमोशन के लिए, नाम ही प्रमोटर है, मतलब इनका काम है प्रमोशन करना। सो पब्लिशिंग कंपनी हो गई, मीडिया हो गई, कहीं भी वो अपना प्रमोशन कर सकते हैं कि देखो, मतलब किसी को पे कर दिया, उसने आर्टिकल डाल दिया, किसी यूट्यूबर को पे कर दिया, उन्होंने इसकी बढ़ाई कर दी कि देखिए इस कंपनी का PE रेशियो ये सारा कुछ देखिए, उसके ऊपर वीडियो बना दिया। तो ये यूजुअली प्रमोटर्स पे करते हैं टू हेल्प देम प्रमोटिंग, उनका पर्पस है प्रमोट करना। तो अगर वो नहीं करेंगे, अपनी जॉब नहीं करेंगे, तो कोई इन्वेस्ट नहीं करेगा। अभी मैं अगर एक वीडियो बना दूं कि देखो कितना अच्छा शेयर है और इसमें बढ़ने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, मेरे समझ लीजिए 1 लाख फॉलोवर हैं, तो उसमें से 10,000 भी अगर इन्वेस्ट कर लेते हैं, 1,000 भी कर लेते हैं अच्छा अमाउंट, तो प्रमोटर का गोल पूरा हो रहा है। सो डिस्पाइट ऑल एफर्ट इन ऑफ मॉनिटरिंग, मैनी प्रमोटर में डू सच एक्टिविटीज़ वे इन्वेस्टर में बी ट्रैप्ड, ठीक है। जैसे ऑफ मार्केट ट्रांजेक्शन हो गया, अभी मैं आपको एक एग्जांपल्स भी दूंगा इनके कि देखिए, हमारे जितने भी प्रमोटर्स हैं जो भी NSE से लिस्टेड होती हैं कंपनी, SEBI उसका काफ़ी मॉनिटरिंग में रखती है, सारे हिसाब किताब लेती है। जैसे ब्रोकर हो गए, ठीक है, तो ब्रोकर्स का पूरा मार्जिन रिपोर्टिंग आपको पता है वो भेजना पड़ता है SEBI को टू मेक श्योर दैट ऑल द ट्रांजेक्शन आर स्मूथ, कोई घपला तो नहीं हो रहा है, ऐसा कुछ सारी चीज़ें हैं हमारे मतलब बनी हुई हैं ऑलरेडी, जो एक प्रोटेक्शन देती है रिटेल्स के मनी को और सभी को। बट यूजुअली घपला होता ही होता है, ठीक है, तो वो घपले क्या होते हैं, जैसे जितने भी मॉनिटरिंग कर लिया
ऑफ मार्केट ट्रांजैक्शन हो गया, मतलब प्रमोटर ने अपनी वाइफ के नाम कुछ शेयर ले रखे, किसी मतलब पूरे फैमिली में किसी जानकार है उसके नाम पे, उसके नाम से बाइंग या सेलिंग हो रही है, कुछ ना कुछ हो रहा है जो कि मतलब आपको पब्लिक नहीं पता चल रहा है। तो इसका एग्जांपल है, ये लिंक है आप पीसी ज्वेलर्स का, तो ये मैं खोल के आपको दिखाता हूँ यहाँ पे। ओके सो यहाँ पे आप देख सकते हो 2.7 बिलियन शिफ्ट ऑफ पीसी ज्वेलर एम कैप आफ्टर प्रमोटर गिफ्ट शेयर्स टू फैमिली। सो यहाँ पे मसला क्या है कि ऑफ मार्केट, इसका जो फाउंडर था पीसी ज्वेलर का पीसी गुप्ता, इन्होंने ऑफ मार्केट ट्रांजेक्शन किया और 75% रिकॉर्ड जो है वो इसका प्लंज हो गया। और तो यूजुअली क्या था कि गिफ्ट किया इन्होंने सम शेयर्स फॉर फैमिली मेम्बर्स, जो कि बाद में पता चला इसका प्राइस कितनी बुरी तरह गिरा था वो मैंने देखा था, ठीक है। और इस पर शॉर्ट्स भी किए थे, और बट यूजुअली इसमें रिटेल्स इन्वेस्टर का काफ़ी नुकसान हुआ है। तो ये एक एग्जांपल था कि डिस्पाइट ये, ऐसा तो नहीं है कि पीसी ज्वेलर भी एसबीआई की मॉनिटरिंग में नहीं थी, बिल्कुल थी, बट हुआ स्कैम। ऑलराइट, सो दे कैन आल्सो मेक स्कैम। ओके, नो प्रोमोटर इज एक्चुअली दूध का धुला। ओके सो अभी मैं बात करूँगा ऑपरेटर्स, ऑपरेटर्स को समझने का पूरा जो तरीका है वो बताऊँगा, ठीक है। ऑपरेटर्स अच्छे भी होते हैं बुरे भी होते हैं, ठीक है। तो दो टाइप के ऑपरेटर्स होते हैं, ऑपरेटर्स का मतलब जो ऑपरेट करता है मार्केट। सो गुड ऑपरेटर जो होते हैं वो होते हैं कि जो मार्केट के क्लूज को होता है समझते हैं और शॉर्ट या करते हैं या फिर खरीदते हैं विद लार्ज वॉल्यूम। ओके सो ये क्या करता है, अपॉर्चुनिटीज़ बनाता है और हिंट्स बनाता है, जिससे अदर जो एक्चुअली मार्केट को समझते हैं वो भी उसको ज्वाइन कर सकते हैं, ऑपरेटर्स को, गुड ऑपरेटर्स को, एंड मेक द मूव मोर स्ट्रॉन्ग। मतलब मैंने एक कोई हिंट, मैंने लेट्स से कि मुझे पता है कि 1 लाख क्वांटिटी से ऑर्डर वहाँ पे एक बड़ी मारुबोजू कैंडल बन जाएगी, तो 1 लाख ऑर्डर लगा दिए। अभी ये क्या है, इसने कई और अदर जो लोग बैठे हुए हैं अपना मार्केट में पैसा बनाने के लिए, उनको भी एक हिंट मिला कि अभी सेलिंग आ रहा है, वो इसको जज करेंगे कुछ पैटर्न्स पे, और उसके बाद क्या होगा कि वो कॉरपोरेट उनको कॉरपोरेट करेंगे गुड ऑपरेटर्स को। इस वे से एक्चुअली इंटेलिजेंट के लिए लोगों के लिए होता है और वो इस पर पैसा बना सकते हैं। तो ये जो ऑपरेटर्स होते हैं इनका 100 एक्यूरेसी क्यों होता है, ये इसलिए होता है क्योंकि वो चार्ट खुद बनाते हैं, ठीक है। वो ये नहीं देखते, वो बिल्कुल हिस्ट्री तो देखते हैं चार्ट की, बट नया चार्ट जो होता है फ्यूचर वो खुद बनाते हैं, ठीक है। तो इसलिए उनको बोला जाता है गुड ऑपरेटर्स, तो वो भी हिस्ट्री को देख के ही बनाते हैं। इसलिए ऐसा पॉसिबल भी है कि 100 एक्यूरेसी रिसर्च के जरिए आपको भी मिल सकती है, बिकॉज़ वाट एवर इज़ हैपनिंग ऑन द हिस्ट्री विल बी रिपीटेड ऑन द फ्यूचर। तो अभी बात करते हैं बैड ऑपरेटर्स क्या होते हैं। बैड ऑपरेटर्स वो होते हैं जो कि ट्रैप्स बनाते हैं यूजुअली, कि जैसे कि अभी एक एग्जांपल देता हूँ कि एक पार्टी थी जिन्होंने मैसेज सेंड कर किया सभी को, अग्रोफोर्स और मारुति उद्योग ये सारे, उनमें बोला मतलब सभी को कि SMS भेज के कि बाई कर लो। तो पहली बात तो है कि कोई, इसका एक मैंने वीडियो भी बनाया था कि फ्री में आपको कोई क्यों एडवाइस देगा, क्यों प्रेशर क्रिएट करेगा कि बाई करो, ठीक है। तो यूजुअली इंटेलिजेंट लोग हैं होंगे, तो उन्होंने तो इसको मार्क एज स्पैम कर दिया होगा, जैसे मैंने भी कर दिया था, सभी को आया था यूजुअली ये जो नंबर सर्कुलेट होते हैं आपके अकाउंट खोलने पे, उसके जरिए वो उन्होंने वहाँ से पैसे देख के सभी के नंबर लिए जितने भी शेयर मार्केट में काम करते हैं, फिर उनको मैसेज सर्कुलेट किया, उसमें से लेट से अगर 10 लाख मैसेज गए होंगे तो उसमें से अगर 10 हज़ार भी फंस गए होंगे, उन्होंने अपना पूरा पूंजी लगा दिया होगा, तो सारा गया उनका। तो जिन्होंने भी इन्वेस्ट किया और उसका पैसा गया, आपने पता आपको पता है कैसे सर्किट लगा था इस पे बुरी तरह, और जो सीधे एकदम इसके प्राइस को बहुत नीचे ले आया। बट उसके बाद अभी हम बात करते हैं कि कंपनी का क्या रोल है इसमें, प्रमोटर की गलती तो नहीं है। तो प्रमोटर ने अपना SEBI को जो रिपोर्ट भेजा, एक ईमेल भेजा, उसमें उन्होंने बताया कि सब सब कुछ फाइन है कंपनी के फंडामेंटल्स के साथ, बट लॉट ऑफ पीपल लॉस्ट मनी ना, तो उसका वो रिफंड तो मिलेगा नहीं। सो दैट्स वॉट एक्चुअली बैड ऑपरेटर्स डू, वो ट्रैप क्रिएट करते हैं। सो ऑपरेटर्स ड्राइव द मार्केट बाय एडिंग लार्ज ऑर्डर्स, चाहे गुड ऑपरेटर हो चाहे बैड ऑपरेटर हो, वो ऑपरेटर के पास ये पावर होता है कि बहुत ज़्यादा वॉल्यूम ऑर्डर लगा के वो प्राइस को मूव कर सकते हैं,
उनका एक सिस्टम जो होता है वो पूरा कैलकुलेट करके बता देता है कि इतना क्वांटिटी आपको चाहिए इस प्राइस को यहाँ से यहाँ ले जाने के लिए, ठीक है। वो होते हैं शेर, बिकॉज वी कैन नॉट फाइट विद द लॉयंस बट वी कैन फॉलो व्हाट्स लॉयंस इज डूइंग एंड क्रिएट मनी दैट वे, सो यू कैन बीट डेम इन नो वे। ओके, आप अगर आप सोच रहे हो कि मैं ऑपरेटर्स के फाइट कर सकता हूँ, सो इट्स नॉट पॉसिबल बिकॉज ऑफ दे हैव द सिस्टम, लाइक जो मार्केट चलता है वो यही चलाते हैं। सो व्हाट इज़ द मार्केट मेकर्स? तो मार्केट मेकर्स तो एक को दो नज़रिए से समझा जा सकता है। एक तो वो हो गया कि जो ऑपरेटर जो बताया मैंने अभी, बट ये मार्केट मेकर्स मेरी लैंग्वेज में वो है कि जो एक कंसिस्टेंट इनकम मार्केट से बना रहे, जैसे कि मैं हो गया और जैसे कुछ लोग हो गए जो कि यूजरली रिटेल्स हैं बट एक कंसिस्टेंट इनकम बना रहे, ठीक है। उन्होंने ये साइकोलॉजी समझ ली है कि लेट्स से व्हेन देर इज़ अ लॉट ऑफ वॉलेटिलिटी और जिस टाइम मतलब टेक्निकल्स फेल होते हैं, उन दिनों को समझना सीख गया और सीख लिया और उसके बाद उस साइकोलॉजी को यूज़ करके एक ऐसा सिस्टम बना लिया जो किसी भी कंडीशन में, चाहे मार्केट क्रैश हो जाए जो कुछ, वो उनको लॉस नहीं देगा। तो ये हो गए मार्केट मेकर्स। ओके, और यूजुअली पीपल से कि 90% लूज़ तो, लेकिन 10% पैसा बनाते भी हैं, वो रिटेल की बात हो रही है, ठीक है। ऑपरेटर्स तो ऑलवेज 100% मेक मनी, बट वो 10% जो होते हैं वो होते हैं मार्केट मेकर्स। सो आई डिड नॉट मीन मार्केट मेकर्स बाय वो ड्राइव द मार्केट। ओके, उनके ये उनके मूवमेंट से, उनके ऑर्डर्स से प्राइस मूव नहीं होता है। आई मीन वो अर्न हैंडसम प्रॉफिट फ्रॉम मार्केट, वो उनको बोलूँगा मैं मार्केट मेकर्स। सो मार्केट मेकर्स रिटेल भी हो सकते हैं, HNI भी हो सकते हैं, जो भी जिसको भी गुड एक्सपीरियंस है, जो कि ऑपरेटर की चाल को समझ गया है बट एक्चुअली फॉर सम रीज़न दे डोंट हैव सच काइंड ऑफ फंड्स, क्योंकि ऑपरेटर्स लेट्स से 100 करोड़ हर किसी के पास नहीं होता है, तो यूजुअली कुछ लोग लाखों में ही खेल रहे हैं बट यूजुअली अच्छा कमा रहे हैं, तो वो है मार्केट मेकर्स। जिनके पास ऐसा कुछ टूल हो और बेटर अंडरस्टैंडिंग हो कि रिस्क कैसे मैनेज किया जाता है, ये सब कुछ सीखने के बाद जो पैसा कमा रहे हैं वो है मार्केट मेकर्स। सो दे हैव लीस्ट इन्वॉल्वमेंट इन ऑपरेशन विच हेल्प क्रिएटिंग चार्ट। तो अभी अगर कोई पूछेगा कि मार्केट मेकर्स क्या है एक्चुअली, क्या वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि ये जो चार्ट में मूवमेंट होती हैं, तो मैं बोलूँगा नो, ये 10-20 लाख 50 लाख से आप मार्केट को हिला नहीं सकते, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी लगता है, ठीक है। सो लीस्ट इन्वॉल्वमेंट बोलूँगा मैं, ऐसा भी नहीं है कि आपके ऑर्डर से, अगर आपके बहुत बड़े ऑर्डर हैं तो थोड़ा अफेक्ट होगा प्राइस, बट यूजुअली लीस्ट इन्वॉल्वमेंट होता है इन ऑपरेशंस। मतलब आप ऑपरेटर नहीं हो, आप मार्केट मेकर हो, यू आर जस्ट फॉलोइंग द रूल्स एंड मेकिंग मनी विद समथिंग लेट से 10% ऑफ वाट एवर इज़ रिक्वायर्ड टू मूव द प्राइस। एग्जाम्पल देता हूँ कि एक मार्केट मेकर जो होता है डू नॉट नो हाउ मच क्वान्टिटी नीडेड टू पुश प्राइस। अभी ऑपरेटर का गोल क्या है, उसका सिस्टम वो बताता है कि ये 1 लाख क्वान्टिटी अगर डालता हूँ मैं, तो ये इसको मैं 10 रुपये ढकेल सकता हूँ नीचे, ठीक है। बट मार्केट मेकर को इससे कोई लेना देना नहीं है, वो ओनली ये देखता है टेक्निकल एनालिसिस के बेस पे कि हमारा प्रॉफिट बन रहा है ना, मैं मार्केट से मेक कर रहा हूँ, दैट्स इट। बट ऑपरेटर होता है तो उसको पता है कि हाउ मच क्वांटिटी इज नीडेड टू पुश प्राइस एट सर्टेन लेवल। सो अभी हम बात करेंगे हाउ दे अफेक्ट इक्विटी। तो प्रमोटर देखिए क्या होता है, इक्विटी मार्केट जो होता है सबसे पहली बात तो ये इन्वेस्टमेंट के लिए बना है, कैश मार्केट। कैश क्यों बोलते हैं कि आपने इसको लेके रख दिया और अभी आपका जब मर्जी हो आप बेचो, इसमें कोई एक्सपायरी नहीं होती है, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में एक्सपायरी होती है। तो प्रमोटर क्या करते हैं कि वो हैविली इन्वेस्टमेंट कर देते हैं जो कि प्राइस को चढ़ा या घटा सकता है। सो वो स्क्वायर ऑफ भी करते हैं, ऐसा भी नहीं है कि कोई प्रमोटर स्क्वायर ऑफ नहीं कर रहा है, हालांकि ये इन्फॉर्मेशन आपके पास आती है कि नहीं आती है वो थोड़ा क्लूलेस हो जाएगा। तो अभी गिफ्ट किया शेयर में, आपने PC गुप्ता का केस बताया, उन्होंने गिफ्ट किया शेयर अपने वाइफ के नाम पे, अपने फैमिली मेम्बर्स की जो रिपोर्ट आई थी उस न्यूज़ चैनल पे, तो उसके बेसिस पे आप ये सीख सकते हो कि वो लोग गिफ्ट वगैरह भी कर सकते हैं, झूठ भी बोल सकते हैं, ठीक है, बाद में पकड़े जाएंगे, वो अलग न्यूज़ आती रहती है। बट एनी अदर वे टू डू स्कैम इज़ पॉसिबल यूजुअली इन जब जब कभी भी ऐसे प्रमोटर ऐसे रिलेटेड स्कैम्स होते हैं, तो रिटेल्स जो होते हैं जिनका पैसा फंसा होता है, इनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है एग्जिट की, क्योंकि ये यूजुअली ओवरनाइट ही हो जाते हैं, ठीक है। यही एक मेन गेम है ट्रैप करने का, क्योंकि अगर आपको अपॉर्चुनिटी दी तो आप स्क्वायर ऑफ कर दोगे, तो ये रातों रात होता है। लेट से वीकेंड में कुछ न्यूज़ आ गई, सब कुछ प्लान्ड होता है, कभी भी लाइव मार्केट में बहुत ही कम होता है जबकि कुछ ऐसा हो,
यूजुअली जब मार्केट बंद होता है तभी ऐसा कुछ होता है जिससे किसी को एग्जिट का मौका ही ना मिले। तो अभी अगर हम बात करें कंट्रोल की, तो कंट्रोल इनका जो होता है मैक्सिमम होता है इक्विटी मार्केट में, या मतलब अगर प्रमोटर कभी बाई या सेल करता है तो बहुत ही बड़ा फॉल या बहुत ही बड़ा राइज आ सकता है। अगर कोई इलिक्विड स्टॉक है तो उस पर तो सर्किट भी लग सकते हैं क्योंकि उसमें वॉल्यूम कम होता है। सो व्हेन देर इज़ अ लेस वॉल्यूम और कोई बहुत ही ज़्यादा बाई कर रहा है तो प्राइस बहुत तेज़ भागेगा। सो ऑपरेटर्स क्या होते हैं, देखिए बैड ऑपरेटर होते हैं वो ट्रैप करते हैं, जैसे कि सेम सेम वे में जैसे कि बैड प्रमोटर्स करते हैं, लेकिन सभी दोनों का ही सेम गोल है। यूजुअली क्या होता है फेक न्यूज़ जो भी, मतलब अभी जो तरीके चलते आए हैं और जो अभी जो तरीके चल रहे हैं और आगे हो सकता है टेक्नोलॉजी और इंक्रीज़ हो जाए तो और नए नए तरीके आ जाएं जो मतलब क्लूलेस हो जाए कि हमारा लॉस कैसे हुआ। तो यूजुअली फेक न्यूज़ जो होती है पब्लिश करके इनवाइट द रिटेलर्स रिटेल्स टू ट्रैप किल देम फाइनली, यही होता है इनका पर्पस। कंट्रोल जो होता है उनका मैक्सिमम होता है इक्विटी में और वो किसी भी इलिक्विड स्टॉक को हिला सकते हैं। हालांकि अगर कोई जैसे स्टॉक में बहुत ही ज़्यादा वॉल्यूम है तो उनके लिए ट्रबल सम हो जाता है क्योंकि उसके लिए बहुत बड़ा अमाउंट चाहिए और जो कि हर कोई मैनेज नहीं कर पाता है। सो इसीलिए ये भी एडवाइस दी जाती है कि हमेशा लिक्विड स्टॉक को ट्रेड करिए क्योंकि वहाँ पे कम पॉसिबिलिटी होती है। अभी जैसे कुछ स्टॉक में आप देखते हो सीधे खंबे बनते हैं हरे हरे और लाल लाल, ठीक है, बड़े बड़े खंबे, तो वो क्यों बनते हैं क्योंकि उसको कोई कंट्रोल कर रहा है ऑपरेटर। ओके, बट यूजुअली कुछ स्टॉक में आप देखते हो वहाँ पे इतने हाई वोलेटिलिटी नहीं होती है, बट जो भी मूव होते हैं प्रॉफिट वहाँ भी बन रहा है। तो वहाँ इश्यू वहाँ पे गुड थिंग ये है कि वो एक्चुअली बैलेंस्ड है। ओके, वहाँ ऑपरेटर की नहीं चल रही है इसलिए प्राइस नॉर्मली मूव करता है, वहाँ पे इन्वेस्टर ज़्यादा इन्वॉल्व है और ऑपरेटर कम इन्वॉल्व है। तो इस जरिए से आप अपना स्टॉक सेलेक्शन भी, इफ़ यू आर ए सेफ ट्रेडर तो आप अपना स्टॉक सेलेक्शन भी इस हिसाब से कर सकते हैं कि उन स्टॉक को चूज़ करिए जिनमें जो बड़े बड़े खंबे होते हैं ग्रीन एंड रेड वो कम बने या फिर रेयरली बने, ये एक रूल होता है। मैं खुद उन स्टॉक को ट्रेड करना पसंद करता हूँ जो कि ऑपरेटर्स के द्वारा मैनिपुलेटेड ना हो और या फिर ऑपरेटर उसमें इन्वॉल्व भी हैं तो वो इतना ज़्यादा उसको इफ़ेक्ट ना करें कि एकदम से वो कुछ भी मतलब बहुत ज़्यादा वोलेटाइल हो। और यूजली सेफ रिटर्न हम जैसे बड़ा क्वांटिटी लगाते हैं तो वी वांट सेफ रिटर्न्स, दैट्स व्हाई आई लाइक देम। सो अभी बात करते हैं गुड ऑपरेटर्स, तो वो एक्चुअली ट्रैपिंग वगैरह में बिलीव नहीं करते और ओनली फोकस ऑन क्रिएटिंग चार्ट बेस्ड ऑन स्ट्रॉन्ग रूल्स। ओके, कुछ स्ट्रॉन्ग रूल्स होते हैं जिसके जरिए मार्केट ड्राइव होता है। सो वो क्या करते हैं कि अपॉर्चुनिटीज़ देते हैं सभी को जो मार्केट को बेहतरीन तरीके से समझ सकता है और उनके साथ पैसा भी बना सकता है, उनको ये अपॉर्चुनिटी देते हैं। बट बैड ऑपरेशंस हमेशा फंसाते हैं। सो इक्विटी जो होता है सबसे पहले तो वो तो एक इन्वेस्टमेंट सेगमेंट होता है कैश वाला, चाहे ऑपरेटर्स हो चाहे प्रमोटर्स, और बट जो स्कॉल्पर्स होते हैं वो यूजुअली इंट्राडे एक्टिविटीज़ पे करते हैं जो जिसके कारण लिक्विडिटी बनी रहे। तो जो कंट्रोल होता है गुड ऑपरेटर्स का वो भी इस पे मैक्सिमम होता है, ठीक है, वो किसी भी लिक्विड स्टॉक को हिला सकते हैं, ठीक है, इतना ज़्यादा हिला सकते हैं कि सर्किट लग जाए। सो मार्केट मेकर्स क्या होता है, देखिए वो गुड ऑपरेटर्स को फॉलो करते हैं जो कि टेक्निकल एनालिसिस जैसे कि मैं और कुछ मेंटीज जो कि काफ़ी अच्छा परफॉर्म करते हैं उनको मैं बोल सकता हूँ मार्केट मेकर्स। तो उनका ये कोई भी पर्पस नहीं होता है कि किसी को हार्म पहुँचाए और वो अच्छे से रिस्क रिवार्ड लगा के अपना अच्छा रेगुलर प्रॉफिट बनाने में बिलीव करते हैं बाय फॉलोइंग द गुड ऑपरेटर्स। उनका जो मेथड है जो कि ऑलरेडी मैं अपना एक्सप्लेन करता हूँ वेबिनार में, वो सारी चीज़ें गुड ऑपरेटर्स की होती हैं जो कि वो सिग्नल देखते हैं उसके बेसिस पे ट्रेड करते हैं। तो अगर हम बात करें हमारा मार्केट मेकर्स जैसे कि 20 लाख 50 लाख, ये अगर आपका फंड है, ठीक है, अगर करोड़ों में है तो देखिए वो अलग बात है, बट अगर जैसे 10 लाख तक फंड है आपका तो उसमें आपका जो रोल है वो मिनिमम होगा। यू आर नॉट द वन हु इज़ रिस्पॉन्सिबल टू ड्रॉ द चार्ट। ओके, आप चार्ट क्रिएटर नहीं हो, आप उस पर फॉलोअर हो। सो हाउ डू अफेक्ट डेरिवेटिव्स, सबसे पहला रूल है देखिए डेरिवेटिव्स में जो भी ट्रेड करता है प्रमोटर और वो हेज करते हैं। कंट्रोल जो होता है वो मीडियम होता है अगर हम बात करें इंडेक्स की, क्योंकि इंडेक्स में बहुत ज़्यादा आपको इन्वॉल्वमेंट चाहिए।
बाई या सेल करने के लिए, तभी आप उसको अफेक्ट कर सकते हैं। इसी वजह से इंडेक्स को सेफ भी समझा जाता है, क्योंकि इंडेक्स में 10% का सर्किट कब लगा होगा? अब बहुत टाइम पहले, ठीक है, आज भी लगना वाला था, बट आज भी सर्किट नहीं लगा। तो ये एक हमें अश्योरिटी देता है कि इसमें रोज़ रोज़ आपके 10% जैसे मूव नहीं आएंगे, बट आप इसमें तब भी आराम से पैसा बना सकते हो। इस क्योंकि इसमें वो जो ऑपरेटर्स होते हैं ना, उनकी नहीं चलती। अभी जब पैनिक क्रिएट होता है ना, जैसे कोई न्यूज़ है, इवेंट है, तो वो इन्वेस्टर जो हैं, प्रमोटर्स जो हैं, वो स्क्वायर ऑफ कर सकते हैं अपना पोजीशन, इस कारण तो फॉल आएगा बिल्कुल। बट यूजली इसमें ऑपरेटर्स की नहीं चलती, उतनी नहीं चलती जितनी स्टॉक फ्यूचर्स में चलती, क्योंकि स्टॉक फ्यूचर्स में अगेन वहाँ पे उतने वॉल्यूम्स नहीं होते, उतनी लिक्विडिटी नहीं होती है जितनी आपकी निफ्टी बैंक निफ्टी में होती है। इस कारण से ये मैं बोल सकता हूँ कि स्टॉक फ्यूचर में उनका कंट्रोल मैक्सिमम होता है, और इंडेक्स में जो होता है वो मीडियम होता है। मतलब ऐसा भी नहीं है बिल्कुल वो बड़े लॉट्स उस पर भी होते हैं, बट मैक्सिमम नहीं कर सकते वो, क्योंकि उसमें के लिए बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन चाहिए, जो मिल के अगर ग्रुप बना के एक साथ मतलब बैंक निफ्टी शॉर्ट करता है तो ही उसमें उतना ज़्यादा मूव आएगा। और दूसरी बात ये होती है कि जो बैंकिंग स्टॉक्स हैं उनको भी शॉर्ट करना होगा, ठीक है, क्योंकि वो नहीं करोगे तो उसके बेसिस पे ही हमारा बैंक निफ्टी चलता है। जैसे उसमें HDFC बैंक है, उसका वेटेज रेशियो है, अगर उस पर आप शॉर्ट कर रहे हो तो दैट्स वे बैंक निफ्टी भी जाएगा। ये सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं, बट स्टॉक फ्यूचर्स में सिर्फ कैश चलता है, स्पॉट प्राइस जो होता है उसके बेसिस पे चलता है। सो ऑपरेटर्स क्या होता है, वो भी उनका भी सेम है, कंट्रोल इज़ मीडियम एंड इन इंडेक्स एंड मैक्सिमम इन स्टॉक फ्यूचर्स। तो बैड ऑपरेटर्स जो होते हैं, देखिए वो ट्रैप्स क्रिएट करते हैं, जैसे कि हो गया आपका फेक आउट ऑफ ट्राइंगल पैटर्न, ठीक है, आप कभी कभी देखते हो। फेक आउट क्या होता है, जैसे कि आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन हेयर एंड सो लेट्स से दिस इज़ अ ट्राइंगल पैटर्न, ओके, प्राइस गोइंग हेयर 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 एंड हेयर, ठीक है। उसके बाद आप देखते हो यहाँ पे एक ब्रेकआउट हो गया, यहाँ पे बहुत सारे लोग फंस जाते हैं, ठीक है, बट प्राइस यहाँ सस्टेन करता है, ओके, क्रिएटिंग टेंशन, फिर एकदम से प्राइस ऊपर जाता है, तो इसको बोलते हैं हम फेक आउट। तो फेक आउट जो होता है वो बैड बैड ऑपरेटर्स होते हैं, वो ही बनाते हैं ट्रैप करने के लिए। कंट्रोल जो होता है इसमें मीडियम होता है, इंडेक्स मैक्सिमम और स्टॉक फ्यूचर्स में मैक्सिमम होता है। गुड ऑपरेटर्स क्या होते हैं, वो ओनली फॉलो सिस्टम रूल्स, ओके, टेक्निकल एनालिसिस एंड मैनेज पोजीशन एंड कॉज नो हार्म लाइक क्रिएटिंग ट्रैप, बट दे मे फाइट विद बैड ऑपरेटर्स हु ट्राइज टू पुश प्राइस अगेंस्ट द रूल। तो बैड ऑपरेटर्स क्या होता है, वो टेक्निकल्स के अगेंस्ट कुछ कोशिश करते हैं अगर, तो गुड ऑपरेटर्स में फाइट, ओके, टू मेक श्योर दैट जो रूल चलता आ रहा है वो आगे भी चलता रहे। सो कंट्रोल इज़ मीडियम इन इंडेक्स एंड मैक्सिमम इन स्टॉक फ्यूचर्स। सो मार्केट मेकर्स क्या होता है, वो हेज कर सकते हैं और हेज नहीं भी कर सकते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो नेकेड बाई सेल करके भी पैसा बनाते हैं। दे फॉलो गुड ऑपरेटर्स एंड कॉज नो हार्म्स टू अदर्स। सो कंट्रोल इज़ मिनिमम इन इंडेक्स एंड मिनिमम इन स्टॉक फ्यूचर। इनका कंट्रोल जो होता है वो मिनिमम ही होता है, क्योंकि उतना ज़्यादा कैपिटल नहीं होता जितना ऑपरेटर्स या प्रमोटर्स के पास होता है। तो डेरिवेटिव्स में समझने वाली बात यही है कि स्टॉक फ्यूचर जो है उसमें सेम कंट्रोल होगा और इंडेक्स को कम अफेक्ट करते हैं। उसका रीज़न मैंने बता दिया कि इंडेक्स जो है वो काफ़ी, अब जैसे बैंक निफ्टी है, निफ्टी 50 है, उसमें आप पता है 50 कंपनियों का जो वेटेज है, अब जिसका ज़्यादा वेटेज है उसको सीक्वेंस से शॉर्ट मारो, फिर देखो आप चेक करो कि निफ्टी को हिला सकते हो क्या, तो वो उसके लिए पावर चाहिए। सो हाउ दे अफेक्ट कॉमोडिटी, ओके, सो सबसे पहले तो प्रमोटर्स जो होते हैं, कॉमोडिटी मार्केट आर नॉट प्रमोटेड, ओके, कोई आपसे नहीं कहता आओ ऑयल ट्रेडिंग करो, वो ऑलरेडी उसमें लोग आते हैं, बट इज़ नॉट प्रमोटेड बाय 1%, मतलब ऐसा इसको कोई 1% नहीं है, बट ऑर्गेनाइजेशन ने, ठीक है। और ये जो होता है कॉमोडिटी मार्केट, वो डिमांड एंड सप्लाई पे टोटल कंट्रोल होता है। सो अगर हम एग्जाम्पल बात करें इसकी प्रमोटर की फिर भी, तो ओपेक को अगर हम समझे कि एक प्रोमोटर है ऑयल का, जो कि यूजुअली अपना रिपोर्ट देता है कि प्रोडक्शन में क्या कट करना चाहिए और क्या इंक्रीज करना चाहिए, सो ये बोल सकते हैं हम कि ओपेक के पास हायर अथॉरिटी एंड कंट्रोल है ओवर द प्राइसेस, एंड ओपेक के ऑर्गेनाइजेशन में जितने लोग हैं जो कि एक्चुअली हो सकता है उनमें से कुछ ऐसे लोग हैं जो प्राइस को कंट्रोल कर सकते हैं, दे मे बी कंसिडर एज प्रमोटर्स।
व्हाट अबाउट ऑपरेटर्स? तो ऑपरेटर कमोडिटी मार्केट में भी होते हैं, बट दे कॉज एक्चुअली लेस हार्म इफ़ यू अंडरस्टैंड देयर माइंड सेट. ओके, फॉर अ बिगनर ऑयल कैन बी क्लू लेस टू ट्रेड बिकॉज ऑफ वॉलेटिलिटी. तो अभी मैंने एक कुछ दिन की बात है, अभी मैं इन्वेस्टिंग पे एक कमेंट पढ़ा, वहाँ पे कोई बिगिनर बोल रहा था कि व्हाट रबिश क्रूड ऑयल, कुछ भी होता है, कभी ऊपर कभी नीचे, क्लू मतलब बिना कुछ टेक्निकल्स के, ये उनका कमेंट था. तो ये व्यू मेरा भी था जब मुझे ऑयल समझ नहीं आता था, तो सेम व्यू मेरा भी था कि क्या रबिश है, मतलब कुछ भी कहीं भी जा रहा है बिना क्लूलेस, कोई रीज़न ही नहीं, कोई लॉजिक ही नहीं है. बट जब लॉजिक समझ लिया तब ऐसा व्यू नहीं है. ओके, तब ऐसा व्यू है कि वी आर द ऑयल ऑपरेटर्स. सो मार्केट मूवर्स क्या होते हैं, अगेन सेम एज दे फॉलो ऑपरेटर्स, दे कैन मेक मनी एंड अर्न हैंडसम प्रॉफिट बाय गोइंग इन डायरेक्शन ऑफ ऑपरेटर्स. सो दैट्स ऑल इन माय दिस टॉपिक, एंड आई होप ऑल द डाउट्स आर क्लियर. थैंक्स फॉर वॉचिंग, आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो.